सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। दोस्तों लैके हाजिर आ नवां वीडियो। दोस्तों अज आपां बहुत अहम टॉपिक दे उत्ते गल्लबात करांगे। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर लग्गिआ क्योंकि शड्यूल बिजी सीगा ते हुण आपां हो गए फ्री। तो लगातार जिहड़ी फिटनेस नाल रिलेटिड वीडियोज़ आपां करदे रहांगे। दोस्तों अज आपां गल्लबात करांगे लोअर बॉडी पार्ट दे उत्ते। हमेशा आपां बाइसेप ट्राइसेप जां अपर बॉडी दे वर्कआउट दे बारे गल्लबात कर दिंदे आं, पर लोअर बॉडी पार्ट साडा बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता लंबी लाइफ वास्ते। जेकर तुहाडियां लैग्स स्ट्रोंग हैगियां, लत्तां दे विच जान हैगी आ, तां तुहाडी लाइफ वधिया हुंदी है और तुसीं कॉन्फिडेंस दे विच रहिंदे आ। और सारी बॉडी साडी पैरलल स्ट्रोंग होनी चाहीदी है, नहीं है कि साडा अपर बॉडी स्ट्रोंग है लोअर बॉडी वीक है। सो लोअर बॉडी भी साडी जिहड़ी स्ट्रोंग होनी चाहीदी है। इहदे बारे आपां गल्लबात करांगे। लैग्स नूं असीं किवें इंप्रूव कर सकदे आ। मोस्टली आपां देखिआ कि जिहड़े लोग जिम जाते हैं वह भी स्किप कर देंगे ये वाली एक्सरसाइज। पहली गल तो जेकर तुम जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट लाने जिम के वाली एक्सरसाइज लैग्स की जी तुम करते हो, उत्थे शड्यूल बनया हुआ उन्होंने जरूर करो, उन्होंने स्किप ना करो, भावें घट कर लो कोई गल नहीं। वीकेंड के उत्ते सैटरडे फ्राइडे जो भी तुम शड्यूल सैट की भी है वो वाली एक्सरसाइज जरूर परफॉर्म करो। पर जेकर थोड़े को टाइम नहीं हैगा तो जां तुसी उत्थे ए वाली एक्सरसाइज करनी पसंद नहीं करते जिम दे विच, मोस्टली एवें हुंदा, बहुत सारे लोग इस चीज़ नूं स्किप कर देंदे आ। तां फिर असी की करिए जे असी वेट नाल अपनी लैग्स नूं ट्रेन करना पसंद नहीं करते, जां असी जंप स्क्वैट नहीं ला सकते, वॉल स्क्वैट नहीं ला सकते, उत्थे एक्सरसाइज नहीं इस तरह दियां परफॉर्म कर सकते, तां फिर असी एक होर वधिया तरीका तुहानूं मैं अज दसूंगा। तुसी अपने लैग्स नूं लैग्स की पावर नूं वधा सकते हैं, लैग्स नूं स्ट्रोंग कर सकते हैं, अपनी लत्तां नूं स्ट्रोंग बना सकते हैं। वो किवें बना सकते हैं उहदी मैं तुहानूं एक एक्सरसाइज दसूंगा जिहनूं परफॉर्म करके तुसीं अपनियां लैग्स नूं काफ़ी स्ट्रोंग कर सकते हैं। साइकलिंग बहुत सारे लोग करते हैं, साइकिल चलाना बहुत लोग अजकल ट्रेंड भी हो चुक्या, पर मैं एक तरीका दसूंगा साइकिल का जिहदे नाल तुसीं अपने लोअर बॉडी नूं जां अपनियां लैग्स नूं थोड़े समय दे विच मजबूत या स्ट्रोंग कर सकते हैं। दोस्तों साइकिल का टायर देखो, इस साइकिल का टायर काफ़ी चौड़ा है, ठीक है। मोस्टली जिहड़े लोग साइकिल चलाते 10-15-20 किलोमीटर तक जाते हैं, जां प्रोफेशनल साइकलिंग करते 50 किलोमीटर तक चलाते हैं, तो उन्होंने लैग्स तो आटोमैटिकली स्ट्रोंग हो भी जाएँ। पर जिहड़े लोग घट साइकिल चलाना पसंद करते हैं वह की करन, साइकिल का तुहाडे दा टायर जिहड़ा चौड़ा होना चाहिए। जिवें आ साइकिल का टायर है देखो काफ़ी चौड़ा है, तो साइकिल नू 2 किलोमीटर तक, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जिन्ना तुसी चला सकते हैं फास्ट तेज़ चलाना पूरा। और डाइट तो वधिया होनी चाहिए है, पर जेकर तुसी हजे स्टार्ट किया हुणे साइकलिंग करनी या साइकिल हुणे लैके आए हैं थोड़ा टाइम होया, तो फिर तुसी थोड़ा टाइम एक वीक या 2 वीक है ज़्यादा तेज़ फास्ट साइकलिंग नहीं करनी, आराम नाल चलाओ। उस तो बाद तुसीं स्पीड वधा देनी है, 4 किलोमीटर ही लाना है, ज़्यादा लाने की लोड़ नहीं पर फास्ट लाना है। जे थोनू लगता भी थोड़े को ज़्यादा चौड़े टायर वाला साइकिल नहीं है, ठीक है, फिर तुसीं की करना, ज़्यादा पिछे जिहड़ी सीट लगी हुंदी है उपर वेट रख लेना, जां जिथे भी थोनू लगता भी तुसीं वेट ला सकते हैं बन सकते हैं, इहदे नाल वेट नू मिट्टी का कोई गट्टा वगैरह भर के ला सकते हैं, जां तुसीं किते भी थोनू अवेलेबल ऑप्शन हैगी है तुहाडे साइकिल दे विच बैक ते सीट लगी है, जां इस जगह दे उत्ते मिट्टी दा गट्टा जां वेट जां थोड़े कोल होर अवेलेबल हैगा उहनू तुसीं इहदे नाल अटैच कर लेना। फिर की होगा जदों वेट वध जूगा तां साडी लैग्स दे उत्ते ज़्यादा जिहड़ा मसल्स खिच्चे जाणगे जिहदे नाल जल्दी इंप्रूवमेंट दे चांस बन सकदे आ। इस करके तुसीं 3-4 किलोमीटर साइकिल चला के अपनी लैग्स नूं ज़्यादा मजबूत स्ट्रोंग कर सकते हैं। बस डेडिकेशन की लोड़ हुंदी है, नहीं हैगा भी 2 हफ्ते गए तुसीं तां तुसीं ये सोचो भी चल हुण तां गल बनी नहीं है ना, कोई एवें ही कहिंदा होऊगा, एवें नहीं हुंदा गा, साल भी लग सकदा, 3 मंथ भी लग सकदे, 4 मंथ भी। और रेगूलर होनी चाहिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज असीं इस करके नहीं करते भी असीं ढिड घटा लिया जां किसे नूं देख के लग गए, जे देख के लग गए तो चंगी गल लगना चाहिए, पर उन्हों आपदा शड्यूल बनाना चाहिए। जिवें असी रोटी खाण तो बिना नहीं रह सकते, खाना खाधे बिना नहीं असी रह सकते, है ना। इस चीज़ नूं साडी लाइफ दे विच शड्यूल दे तौर ते रेगूलर परफॉर्म करना चाहिए ता कि साडी लाइफ बहुत वधिया बने, जिंदगी साडी निरोग रहे। देखो किन्ने लोगों अजकल
ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਮਸਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਫਾਸਟ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਗਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸੈੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਐੱਗ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਵਰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮੋਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਟ ਹੈਗਾ ਮਿਲਕ, ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਇਟ ਹੈ ਮਿਲਕ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਏਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।